Okay, so good morning, good afternoon, dear student. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start one chapter, that is tense, chapter number 16. So please take out your book, English grammar book. Okay, take out your English grammar book, tense. So today we are going to learn this chapter, right? Okay, Gaurav. Yes, ma'am. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. आपकी आवाज भी अच्छे से क्लियर आ रही है, अच्छे से दिख भी रहा है. चलो, very good. So doing word or verb we have already started, hai na? Doing word or verb we have already started. Today we will discuss about tense. Okay, so please listen carefully and then I will ask you one by one. Ma'am. Yes. मैम ये चैप्टर 16 इंग्लिश ग्रामर का. चैप्टर 16 फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर. यस मैम. पेज नंबर 50. चैप्टर 16 फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर. सो वर्ब वी हैव कंप्लीटेड. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंस. ओके, सो how many tenses are there? Three types of tenses are there. Gaurav, listen carefully. Three types of tenses are there: present tense, past tense, and future tense. Okay, Navya, listen carefully. Past tense, future tense, and present tense. So present tense, past tense, and future tense. So what is tense? पहले हम जानते हैं tense है क्या. What is tense? The tense of a verb is a form of verb which tell us the time of action, where the action is completed or not. Tense है क्या? Tense एक समय के बारे में बताता है. Tense, the tense of a verb of is the form of verb which tells us about the time. Which tells us about the time, whether it is completed or not completed. टेंस एक समय के बारे में बताता है, वो कंप्लीटेड है या नहीं वो भी बताता है टेंस. कितने प्रकार के टेंस होते हैं? तीन प्रकार के. थ्री टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इस चैप्टर में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के डिविजन नहीं पढ़ेंगे. हम बेसिक पहले जानेंगे प्रेजेंट टेंस है क्या. यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जाम्पल दिया है, आई रन एवरी डे. आई रन एवरी डे पास्ट टेंस में क्या है? आई रन एवरी डे. एंड फ्यूचर टेंस में आई विल रन टुमारो. ओके, सो आई रन एवरी डे, आई रन यस्टरडे, आई विल रन जब कोई काम हम अभी कर रहे हैं. सपोज मेरी क्लास चल रहा है, माई क्लास इज गोइंग ऑन एंड यू students are watching my videos.
तो ये काम कब चल रहा है? अब। तो जो काम वर्तमान में चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सो द सिंपल प्रेजेंट, द सिंपल टेंस, द टेंस इंडिकेट ऑफ अ टाइम एक्शन और वर्ब, एक्शन और इवेंट। तो टेंस है क्या? अच्छे से ध्यान से सुनो, टेंस क्या है? टेंस इंडिकेट द टाइम ऑफ अ एक्शन, कोई भी एक्शन का, कोई भी काम का समय बताता है, वो है टेंस। ठीक है, कोई भी काम का समय बताता है। अगर सपोज गौरव, कल आपने मार्केट जाके एक केक खाया था, तो कल आपने खाया था तो वो एक एक्शन है, आपने केक खाया, पर वो एक्शन का समय क्या है? कल, यस्टरडे। तो ये टेंस वो इंडिकेट करता है कि आप कोई भी काम कब करते हो। सो द टेंस इंडिकेट द टाइम ऑफ अ एक्शन और एन इवेंट। ओके, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट हैबिट एंड जनरल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखते हैं? जनरल हैबिट, जैसे कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल डेली, आई लाइक टू ईट मैंगो। ओके, जनरल हैबिट, आई टेक बाथ डेली। ठीक है, ये जो जनरल हैबिट इसके बारे में बताता है, जो काम हम डेली करते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और क्या है? जनरल ट्रूथ, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब की दिशा से उगता है, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, ये एक जनरल ट्रूथ है। तो ये सत्य आप कौन से सेंस में समझाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट हैबिट एंड जनरल ट्रूथ। तो द वर्ब इज, वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट हैबिट एंड जनरल ट्रूथ। इन दिस केस द वर्ब सिंप्लीफाई एंड विद एस और ईएस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साइड में क्या लगता है? एस लगता है, नहीं तो ईएस लगता है। कब एस लगता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, आई गो टू स्कूल, ये हम नहीं बोलेंगे आई गोज टू स्कूल, बिकॉज आई इज अ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है? यू, यू गो टू स्कूल, यू के साथ भी एस नहीं लगेगा, पर एस लगेगा जब हम थर्ड पर्सन, मैं और आपके बिना इस दुनिया में जो भी कुछ है वो क्या है? थर्ड पर्सन। जैसे कि वैभव गोज टू स्कूल, नव्या गोज टू स्कूल, क्योंकि ये कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वैभव गोज टू स्कूल, वैभव एक सिंगल पर्सन है, इसीलिए वैभव के नाम के साथ जब हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो उसमें क्या लगा रहे हैं? एस, सॉरी ई एस लगा रहे हैं। सो वैभव गोज टू स्कूल, नव्या गोज टू स्कूल, नव्या इज अ सिंगल गर्ल, सो नव्या गोज टू स्कूल। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या ऐड होता है? एस और ई एस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ आपसे, मॉली आर यू देयर? मॉली, काव्या? यस मैम। प्लीज गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल दो, जो काम आप डेली करते हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा।
जो काम आप अब कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ये मैं डेली करती हूँ, आप कैसे बोलोगे? हाउ यू विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश? मैम आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मैं बोलूं मॉली सुबह जल्दी उठती है, तो आप कैसे बोलोगे? मैम मॉली वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग। नो, मॉली कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा क्या ऐड होता है? एस। सो मॉली वेक अप इन द मॉर्निंग। ओके, यस मैम। अगर मैं बोलू नव्या स्कूल जाती है, क्या बोलोगे आप? मैम नव्या गोज टू स्कूल। और मैं स्कूल जाती हूँ? आई गो टू स्कूल। आई गोज टू स्कूल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ एस, सेकेंड पर्सन के साथ एस ऐड नहीं होता है। ठीक है, आई yes, और यू के अलावा इस दुनिया में जो भी चीज है, किसी का नाम है, वो सब थर्ड पर्सन में आ जाता है। अब आपको क्या वर्ब के साथ क्या ऐड करना है? एस और यस। ठीक है, यस मैम। क्लियर? यस मैम। गौरव आप बताओ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, कैसे बोलोगे? आई एम ए स्कूल। स्कूल हो, आई एम ए स्कूल मतलब आप एक स्कूल हो, मैं एक स्कूल हूँ, आई एम ए स्कूल मतलब आई एम ए बॉय मैं लड़का हूँ, आई एम ए गर्ल मैं लड़की हूँ, आई एम योर बॉय मैं स्कूल हूँ, आप क्या स्कूल हो? नो मैम। कैसे बोल रहे हो? आई एम ए स्कूल, आई एम ए गोइंग टू स्कूल, आई एम ए गो टू स्कूल। नो, I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं बोलू वैभव स्कूल जाता है, तो आप क्या बोलोगे? वैभव कौन सा पर्सन है? Yes, ma'am. पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस एड होता है, तो वैभव goes to school। वैभव, मैम क्या बोले? वैभव goes to school। वैभव go to school। goes, go के बाद es लगाओगे आप। Okay, so simple present tense में हम क्या देख रहे हैं? Habit indicate करता है और general truth। और in this case the verb simplify the end with s or es। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, जिमी प्लेज इन द गार्डन, यहां लिखा है ना, जिमी प्लेज इन द गार्डन। नव्या, नव्या जैन। यस मैम। यहाँ पर प्लेज क्यों लिखा है? जिमी प्लेज एस क्यों लगाया है यहाँ पर? नहीं पता, क्योंकि प्ले कर रहा है। जिमी किसी का नाम है? जिमी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। जिमी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है मैं, आई। आई और यू, ये दोनों के अलावा आप कोई भी चीज देखोगे तो वो कौन से पर्सन में आते हैं? थर्ड पर्सन में। तो जिमी कौन सा पर्सन है? थर्ड। थर्ड, थर्ड पर्सन के साइड में ये
प्ले, वर्ब क्या है इस सेंटेंस का? वर्ब प्ले, जिमी प्ले इन द गार्डन। आप प्ले के साथ यहाँ पर एस लगाए हैं, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस ऐड होता है। और आप जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस देखोगे उसमें एस और ईएसई रहता है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है जिमी प्लेज इन द गार्डन, ठीक है? नव्या प्लेज इन द गार्डन, काव्या प्लेज इन द गार्डन, मॉली प्लेज इन द गार्डन। किसी का भी नाम दोगे आप वो है थर्ड पर्सन। यहाँ पर बेसिक वर्ब क्या है? प्ले, और उसमें आप एस लगाओगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ओके नव्या, अगर मैं बोलूं नव्या राइस खाती है, नव्या ईट राइस होगा या नव्या इट्स राइस होगा? नव्या क्या होगा? नव्या ईट्स राइस या नव्या ईट राइस क्या होगा करेक्ट? नव्या ईट राइस, ईट्स राइस होगा ना? नव्या ईट्स राइस। अगर मैं बोलू नव्या गो टू स्कूल या नव्या गोस टू स्कूल क्या होगा? यस करेक्ट, नव्या गोस टू स्कूल। मॉली मॉली लिखती है, मॉली लिखती है, क्या बोलोगे आप? ना मॉली, आप मॉली लिखती Molly है, मॉली लिखती Molly है, मॉली इज राइटिंग। नो, लिख रही है, मैं नहीं बोलू लिखती है, मॉली लिखती है, मॉली राइट या मॉली राइट क्या होगा करेक्ट? मॉली राइट, मॉली राइट। अगर बोलू मॉली कविता लिखती है तो मॉली राइट अ पोएम स्टोरी, या मॉली राइट अ स्टोरी। पर मॉली राइट अ स्टोरी होगा क्या? नो, आपको राइट है बेसिक वर्ब, उसमें आपको एस लगाना है क्योंकि मॉली थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इट्स रेफर टू करेक्ट करेंट और प्रेजेंट टाइम नाउ, जो भी काम अभी होता है या अभी हो रहा है या अभी होता है वो सब प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है? जिमी प्लेज इन द गार्डन। हाँ बोलो, हो रहा है वो क्या होगा? हो रहा है उसमें आईएनजी, वो हम बाद में सीखेंगे, वो कंटिन्यूअस टेंस है, अभी हम उसमें नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट only present tense, simple present tense. So simple present tense में आप क्या लगाओगे? s या es लगाओगे, clear? In this sentence the verb plays indicate an action in a present which is going on. So in a thing, an action going on, ये ऐसा एक्शन है जो अभी हो रहा है, इसीलिए कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? क्योंकि ये घटना अभी हो रहा है, ठीक है? कोई भी घटना जब प्रेजेंट में होता है तब हम उसको इंडिकेट क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट करते हैं। ओके हाँ, so in this sentence the verb plays, in this sentence the verb plays
indicate an action present which is going on. Bhavya. Bhavya Lunia, are you there? Bhavya. Okay. Next. So it is clear, present tense. Now, simple past tense. उसके बाद हम किस में आ रहे हैं? सिंपल पास्ट टेंस में. वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट एक्शन दैट हैपन इन पास्ट. जो भी घटना पहले घट चुकी है उसे हम पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं. तो वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट एक्शन दैट हैपेंस इन द पास्ट. जो भी घटना पहले घट चुकी है वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, मॉली. यस मैम. मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, आई एट आइसक्रीम yesterday. ये कौन सा टेंस है? मैम पास्ट टेंस. क्यों? मैम क्योंकि मैम क्योंकि मैं आइसक्रीम क्या मैं अभी खा रही हूँ? जो आइसक्रीम के बारे में मैं बोल रही थी वो आइसक्रीम क्या मैं अभी खा रही हूँ? नहीं मैम, कल शाम को मैं आइसक्रीम खाई थी. कल शाम को मैं आइसक्रीम खाई थी. तो इसीलिए वो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. आप मार्च मंथ में मार्च महीना में स्कूल आए थे, ये कौन सा टेंस? पास्ट टेंस. जो भी घटना पहले घट चुकी रहती है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं. और पास्ट टेंस का इंडिकेट कैसे करते हैं हम? कैसे पता चलेगा ये पास्ट टेंस है? क्योंकि वर्ब के साइड में ईडी लगा हुआ रहता है. वर्ब के साइड में क्या लगा रहता है? ईडी. ईडी. वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट एक्शन दैट हैपन इन पास्ट. इन दैट केस द वर्ब सिंपली एंड विथ ईडी. आई प्लेड इन द गार्डन. I jumped on the bed. I cooked rice yesterday. That means कल मैं खाना बनाई थी, कल मैं बेड में जंप किया था, या कल मैं बारिश में अम्ब्रेला लेके निकली थी. तो जो भी काम हम पहले करेंगे वो क्या इंडिकेट करता है? पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है. तो इन दैट केस The verb simplify end with ed. For example, Jimmy played in the garden. That means Jimmy अब खेल रहा है क्या? नहीं, Jimmy पहले garden में खेलता था, इसीलिए Jimmy played in the garden. So past tense indicate का formula क्या है? Verb के side में ed लगा हुआ रहेगा. वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा? ईडी. ईडी. और हमेशा ईडी नहीं रहता है, कुछ कुछ पास्ट टेंस में आपको दूसरे फॉर्म में दिखाई देगा, उसको आपको याद कर लेना है. जैसे कि गो वेंट गन, हम गो के साथ ईडी नहीं लगाते हैं. गो को पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं? वेंट. ठीक है. ईट मतलब खाना खाना, एट मतलब खाना खाई थी पहले. तो एट इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट. तो आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस या पास्ट पार्टिसिपल को याद कर लेना है अच्छे से. और मैक्सिमम जगह में क्या लगता है? ईडी लगता है. तो जिमी प्लेड इन द गार्डन. इन दिस सेंटेंस द वर्ब प्लेड इंडिकेट in action indicate an action in past which is completed.
ऐसा कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका रहता है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं। कोई क्वेरी? नो मैम। सॉरी सुराना, सॉरी सुराना, सॉरी सुराना, आर यू देयर? यस मैम। सॉरी, प्लीज गिव मी द एग्जांपल ऑफ पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस। बोलो मुझे पास्ट टेंस का एग्जांपल दो। We play tomorrow in the garden. Tomorrow तो मतलब जो दिन आने वाला है वो अभी तक आया नहीं। Tomorrow मतलब we eat chocolate in the garden. We eat नहीं होगा। Eat का past tense क्या है? Ate. Eat का past tense क्या होगा? Ate. So we ate chocolate in the garden yesterday. Yesterday बोलना है। Yesterday we ate chocolate in the garden. कल हम लोग chocolate खाए थे garden में। So yesterday I ate chocolate in the garden. Okay? Yesterday I ate chocolate in the garden. तो जो भी काम पहले हो रहा है, हो चुका है, उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे? पास्ट टेंस में इंडिकेट करेंगे। ठीक है? यस मैम, यस मैम। आप देखो फ्यूचर टेंस, वर्क इन सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मींस जो घटना अभी भी नहीं हुआ है, जो भविष्य में होने वाला है, उसे हम फ्यूचर टेंस में इंडिकेट करते हैं। So verb in simple future tense indicate an action that will happen in future. जो घटना भविष्य में घटने वाली है, that will happen in future. That is simple present, simple future tense. So in that case, in this case, the verb simply begins with will. Verb के पहले हम क्या लगाएंगे? Will लगाएंगे. तब हमको पता चल जाएगा कि ये sentence फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जिमी विल बी प्लेइंग इन द गार्डन और जिमी विल प्ले इन द गार्डन, मतलब जिमी गार्डन में खेलेगा, कल खेलेगा, आज नहीं, अभी नहीं खेल रहा है, वो कल जो दिन आएगा तब वो गार्डन में खेलने जाएगा। सो द जिमी विल बी प्लेइंग इन द गार्डन और जिमी विल प्ले इन द गार्डन। आई विल गो टू स्कूल, कल मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी। आई विल गो टू स्कूल, आई विल ईट आइसक्रीम, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी। सो ये कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, फ्यूचर टेंस। सो इन दिस सेंटेंस द वर्ब विल बी प्लेइंग, in this sentence the verb will be playing indicate future tense. Okay, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अब मैं शुरू से तीन टेंस का एग्जाम्पल दे रही हूं। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। मुझे कौन बताएगा ये कौन सा टेंस है? वंशिका, विनम्र पिंचा, विनम्र पिंचा, आर यू देयर? विनम्र पिंचा, यस मैम। बोलो तो मुझे बेटा, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस मैम। कैसे फ्यूचर टेंस आपको पता चला?
फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा? विल, शैल या विल रहेगा. यहाँ पर शैल या विल है? नो मैम. नहीं है. सूरज पूरब से उठता है, कभी कभी चेंज कर देता है क्या दिशा? कभी कभी दक्षिण से निकलता है क्या सूरज? नो मैम. नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता कि सूरज हमेशा पूरब की ओर ही निकलेगा. दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है? दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम जो सत्य घटना है जो कभी बदल नहीं सकता उसे इंडिकेट करते हैं. और क्या इंडिकेट करते हैं? ये सन राइजेस. यहाँ पर राइज है वर्ब, उसमें हम क्या लगाए हैं? एस लगाए हैं. तो वर्ब yes, में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तब वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस. जब हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तब वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. तो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. आई गो टू स्कूल कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस. जाता हूँ प्रेजेंट टेंस. आई ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाता हूँ कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. आई टेक बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूँ कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. ओके, सो द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इट इज प्रेजेंट टेंस. ओके मैम. सेंटेंस में दो चीज देखना है, एक चीज क्या वो डेली हो रहा है, क्या वो वर्तमान में हो रहा है, और वर्ब के साथ एस और ईएस लगा है क्या, ये चीज आपको नोटिस करना है, तब आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है. आप देखो दूसरा एग्जांपल में, जिमी प्लांटेड ब्यूटीफुल सैपलिंग इन द पार्क. यहाँ पर वर्ब क्या है? प्लांट. प्लांट के साथ ईडी लगा है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस. नो, जब वर्ब के साथ ईडी लगता है तब वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस होता है. वर्ब के साथ हमेशा ईडी लगेगा या फॉर्म चेंज होगा, है ना? प्रेजेंट टेंस मैम. प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस में घटी है और वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट टेंस में ही होता है. जैसे जिमी प्लांटेड ब्यूटीफुल सैपलिंग इन द पार्क. प्लांट में, पार्क में जिमी बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे लगा चुका है. अभी नहीं लगा रहा है, ये पौधा वो पहले ही लगा दिया है, उसका काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. ओके, तब वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस. टेंस. इसीलिए यहाँ मैम दिस इज घोस्ट. ईडी लगा है. मैम दिस इज घोस्ट. हाँ मैम दिस इज घोस्ट. हाँ आई थिंक लाइक दिस मैम दिस. हाँ, तो जिमी प्लांटेड ब्यूटीफुल सैपलिंग इन द पार्क. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पिक्चर में जिमी विल ईट पिज्जा आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के बाद जिमी पिज्जा खाएगा. कैसे पता चलेगा खाएगा? क्योंकि यहाँ पर विल लिखा है. विल जब आप देखोगे शैल या विल तब कौन सा टेंस होता है? विनम्र पिंचा, फ्यूचर टेंस होता है. कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस. ओके, सो जिमी विल ईट आफ्टर ईटिंग. जिमी विल ईट पिज्जा आफ्टर ईटिंग. जिमी बैठ के ये सोच रहा है कि काश मैं खाना खाने के बाद पिज्जा खा पाती, या का मैं खाना खाने के बाद पिज्जा खाऊंगा. अभी वो पिज्जा नहीं खा रहा है, खाना खाने के बाद खाएगा. तो जो भी काम भविष्य में होने वाला है वो कौन सा टेंस के अंदर आ जाता है? फ्यूचर टेंस के अंदर. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस इन दिस केस
indicate an action will happen in future, that is future tense. Or past tense, simple past tense indicate action that happened in the past. Or simple present tense kya hai? Simple present tense indicate habit or general truth. Okay, लगभग ये कंप्लीट है. किसी को कुछ पूछना है? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट क्लास में मैं सभी से सेंटेंस पूछूंगी. नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू इंडिविजुअल वन बाय वन क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर मी वेदर इट इज पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. सो प्लीज रीड द चैप्टर थॉरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. If you are facing some problem, without hesitation, you can ask me in the class. Okay? So, next class, we will meet again. Take care. Bye.